पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को इंटरपोल से बड़ी राहत मिली है। इंटरपोल ने उसका नाम वांटेड लिस्ट से यानी कि रेड कॉर्नर नोटिस से वापस ले लिया है। दिसंबर 2018 में चौकसी का नाम इस लिस्ट में शामिल हुआ था। इंटरपोल ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया है। इंटरपोल की कार्रवाई पर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर करारा वार किया है। देशभक्ति की बात करने वाले बताएं बैंक का पैसा लेकर भागने वाले पर क्या कार्रवाई हुई है। मेहुल चौकसी ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देने वाले देशभक्ति की बात करना ये एक मजाक है। तो इसीलिए हम पहले तो सरकार से ये पूछेंगे, पहले तुम्हारी सफाई इसके बारे में दो। बताया जा रहा है कि फ्रांस के लियोन शहर स्थित इंटरपोल के मुख्यालय में चौकसी की ओर से दायर याचिका के आधार पर ये कदम उठाया गया है। फिलहाल इस मामले पर सीबीआई की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। चौकसी 2018 में देश छोड़कर भाग गया था। 10 महीने बाद उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। तब तक वो एंटीगुआ और बारबुडा में छिपा हुआ था। बाद में उसे यहाँ की नागरिकता मिल गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रेड कॉर्नर नोटिस रद्द करने से मेहुल के केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।